स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ यूपी बोर्ड 12वीं और 10वीं की परीक्षाओं के रिजल्ट के बारे में। आप इस वीडियो में लगातार बने रहिए। इस आर्टिकल में आपको गुड न्यूज़ देखने के लिए मिलेगी और आप बने रहिए। इसमें लिखा हुआ है, आप खुद देख सकते हैं कि छात्रों को अपने रिजल्ट का इंतजार है। छात्रों की सहूलियत के लिए लाइव आप जो है इस पर भी देख सकते हैं। और यहाँ पर अगर देखें तो इस बार 10वीं और 12वीं की परीक्षा पंजीकृत 56 से ज़्यादा छात्र छात्रा पंजीकृत थे, यानी रजिस्टर्ड थे। 4.5 लाख से ज़्यादा छात्र छात्राओं ने परीक्षा छोड़ दी। करीब 3.5 करोड़ कॉपियां जांची जानी हैं। इस बार यूपी बोर्ड की कॉपियां पहली बार सीसीटीवी और वॉइस रिकॉर्डर की निगरानी में जांची जा रही है। अब थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप देखिए कि यूपी बोर्ड के हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन लॉकडाउन खत्म होने के बाद 4 मई से शुरू हो सकता है। ये जानकारी मंगलवार को यूपी के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर शर्मा जी ने दी है। वे ऑनलाइन लर्निंग व टीचिंग को लेकर केंद्रीय मानव संसाधन के रमेश पोखरियाल निशंक के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बैठक में शामिल थे। उन्होंने बताया कि यूपी के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर शर्मा ने जानकारी दी कि अगर स्थितियाँ सामान्य रही तो 3 मई को लॉकडाउन खुलने के बाद 4 मई से यूपी बोर्ड की हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन शुरू करवाया जा सकता है। इस समय पहले महत्वपूर्ण काम प्रदेश के 275 केंद्रों पर 3.10 करोड़ से अधिक कॉपियों का मूल्यांकन है। अब आप देख लीजिए, इसमें आप खुद पढ़ सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। पहले एक बेंच में 4-4 टीचर बैठकर कॉपियाँ जांच लेते थे, लेकिन केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार अब 2 लोगों के बीच कम से कम 2 मीटर की दूरी रखनी होगी। यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए 30 अप्रैल से दूरदर्शन पर कक्षाओं का संचालन किया जाएगा। जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर मुकेश कुमार सिंह ने बताया कि दूरदर्शन के समय प्रभा चैनल पर सुबह से 10 बजे से 12 बजे तक कक्षाओं का प्रसारण होगा। तो स्टूडेंट्स, आपको जो है क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट आपके रिजल्ट के रिगार्डिंग मिल सके। क्योंकि यूपी बोर्ड रिजल्ट अब जल्दी इसका इवोल्यूशन शुरू हो जाएगा और इवोल्यूशन के 15 दिन के भीतर आपका जो है रिजल्ट आ जाएगा, अगर लॉकडाउन खुल जाता है 3 मई तक तो। ठीक है, थैंक यू।